टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल एक स्पैम चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और शायद आप भी इसके थ्रू गए होंगे। बेसिकली स्पैम क्या है कि आपको एक मैसेज आता है, बेसिकली SMS क्या कहता है, ये इस मैसेज क्या कहता है कि आपका जो नंबर है वो बहुत ही जल्दी बंद कर दिया जाएगा या डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कदम क्या उठाना है, आपको इस नंबर को उठा के दूसरे नंबर में या दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे जो ये मैसेज है या फिर हम बोले तो ये स्पैम है, ये बहुत ही ज़्यादा रोटेट हो रहा है और पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये स्पैम है, इसको खुद टेलीकॉम कंपनीज ने कन्फर्म किया है। तो देखिए, मैसेज बेसिकली किस फॉर्म में होगा कि ये LTE, जियो LTE, एयरटेल LTE, वोडाफोन या फिर ऐसा कुछ LTE, MW ऐसे प्रीफिक्स के साथ आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऐसे कोई मैसेज देखते हो तो आप उस पर रिएक्शन मत देना है, क्योंकि ये हो सकता है एक स्पैम या फिर यहाँ पे आप अपने नंबर को खो सकते हो। मैंने इस केस पे और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी और यहाँ पे मैंने अपने सर्कल के साथ भी वेरीफाई किया इसको कि क्या किसी को ऐसा कुछ मैसेज आया है। तो वहाँ पे एक आध बंदे को ये मैसेज आया था, जहाँ पे मैंने देखा चेकआउट करके कि वहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ था कि आपका जो नंबर है वो बहुत ही जल्दी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स थी अलग अलग मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे इनफैक्ट उनको डेडलाइन दी गई थी कि आपने अगर अपना नंबर पोर्ट आउट नहीं किया या फिर आप अपने नंबर को इस ऑपरेटर से उठा के किसी और ऑपरेटर में लेके नहीं गए तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो कर दिया जाएगा बंद। लेकिन खैर, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसको ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे न्यूज़ निकल के सामने आई है कि अभी जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर छानबीन करी और फिर गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसा कुछ हॉक्स या ऐसा कुछ स्पैम मार्केट में चल रहा है कि आपको एक रैंडम मैसेज आता है, वो बोलता है नंबर पोर्ट कराओ, नहीं कराओगे तो नंबर बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा भाई, मेरे पास तो फिलहाल ये ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं कि आपके पास अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप उस पर रिएक्ट ना करो, क्योंकि कंपनी कभी भी ये मैसेज नहीं भेजती है कि आपको पोर्ट आउट करना है। पोर्ट आउट करना मतलब कि अपने ऑपरेटर को छोड़ के किसी दूसरे ऑपरेटर में जाना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होती है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। इसके लिए कोई भी कंपनी आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकती है, अगर करती है तो वो अगेंस्ट लॉ है और ऐसी कोई भी टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में नहीं करेगी। और भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ट्विटर और फेसबुक पे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट थे जहाँ पे लोगों ने पूछा है कि क्या ये मैसेज आपने भेजा है टेलीकॉम ऑपरेटर से। तो वहाँ पे जो टेलीकॉम से है वो खुद सामने आई, फ्रेंकली आके उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई, ऐसा कोई मैसेज हमारी तरफ से नहीं भेजा गया है और आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है तो प्लीज़ 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 उस पर रिएक्ट ना करो। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपका जो नंबर है वो बंद कर दिया जाएगा, आपको पोर्ट आउट करना है, आपको ऑपरेटर को छोड़ना है, तो ये मत करना आप, क्योंकि इस चक्कर में आपका जो मोबाइल नंबर है आप अपने ऑपरेटर को खो सकते हो, आप अपना बैलेंस लूज कर सकते हो या फिर और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम एनालाइज करें तो स्पैम इसलिए चालू हुआ क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज में उथल पुथल मची हुई है। मतलब कोई कंपनी किसी को टेक ओवर कर लिया है, कोई कंपनी बंद होने वाली है, कोई कंपनी सर्टेन लोकेशन में अपना ऑपरेशन बंद कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा ऑपरेटर जिंदा है, कौन सा ऑपरेटर जाने वाला है, हमें कौन से सिम चालू करनी चाहिए, कौन से सिम बंद करनी चाहिए, कौन सा ऑपरेटर में शिफ्ट होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी रूमर्स मार्केट में घूम रही है। तो यहीं से निकल के आया ये स्पैम जो आपको ऐसी चीज़ें बताता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपके पास अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो भाई देखो, इस पर बिल्कुल रिएक्ट मत करना, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी बंद हो रही है तो आपको खुद अपफ्रंटली आके आपको बोलेगी कि भाई आपको अपना जो नंबर है वो अब आप पोर्ट आउट करना है, अगर नहीं किया तो नंबर बंद कर दिया जाएगा और ये आपको बहुत प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके साथ ही आपको अलग अलग मीडिया कंपनी से भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर बंद होने वाला है, और अगर नहीं पता लगेगा तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर बंद होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पोर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है तो पोर्ट आउट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का स्पैम है, और अगर आप इसके थ्रू गए हो या आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है तो प्लीज़ 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 उस पर कोई रिएक्ट मत करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, स्पैम से बचे रहो और अपना नंबर लूज मत करो। आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।